नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बता दें कि एक व्यापारी के कथित अपहरण और उसे प्रताड़ित करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कुछ ही दिनों पहले उत्तर प्रदेश की नैनी जेल लाए गए अतीक अहमद को अब गुजरात की जेल में भेज दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह आदेश सुनाया। साथ ही अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह अतीक अहमद और उसके सहयोगियों के खिलाफ जाँच करे। बता दें कि अदालत ने यह आदेश रियल एस्टेट डीलर मोहित जायसवाल के कथित अपहरण और प्रताड़ना के मामले में सुनाया है। साथ ही आपको बताते चले कि पिछले साल 28 दिसंबर को रियल एस्टेट डीलर मोहित जायसवाल ने अतीक अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि मोहित का लखनऊ से अपहरण कर देवरिया जेल में लाया गया और वह अतीक अहमद और उसके साथियों ने मोहित की पिटाई की। हालांकि एफआईआर के बाद यूपी प्रशासन ने जेल में छापा भी मारा था। बाद में अतीक को देवरिया से बरेली जेल भेज दिया गया था। गौरतलब है कि अतीक पर 20 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए डाउनलोड करें सिटी पोस्ट लाइव मोबाइल ऐप।